माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड तैयार करना। यहाँ आप स्क्रीन पर देखेंगे एक कैशबुक बनाई हुई है। यहाँ लेफ्ट साइड में रिसिप्ट्स की यानी पैसा जो प्राप्त हुआ उसकी एंट्रीज की जाएंगी डिस्क्रिप्शन के साथ। पैसा यदि कैश में प्राप्त हुआ तो एंट्री यहां पर की जाएगी और पैसा यदि बैंक में प्राप्त हुआ तो एंट्रीज यहां पर की जाएंगी। इसी तरह से यहाँ राइट साइड में पेमेंट्स की एंट्रीज की जाएंगी यानी जो पैसा पे किया गया। और यहां पर आप देखेंगे रिसिप्ट्स में पैसा कैश में कितना प्राप्त हुआ और पैसा बैंक में कितना प्राप्त हुआ और दोनों का टोटल यहां पर आता रहेगा। इसी तरह से जो पैसा पे किया गया कितना पैसा कैश में पे किया गया और कितना पैसा बैंक के द्वारा पे किया गया उसका टोटल यहां पर दिखता रहेगा और यहां पर दोनों का टोटल दिखता रहेगा। यहां पर क्लोजिंग बैलेंस अपडेट होता रहेगा ऑटोमेटिकली। अभी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 6650। हम यहां पर एक एंट्री कर लेते हैं तो सबसे पहले हम डेट एंटर करेंगे। जैसे ही आप डेट एंटर करेंगे तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा और फॉर्मेटिंग भी यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एंटर करेंगे कि आप यहां पर देख सकते हैं। मान लीजिए 1000 रुपया हमें बैंक में चेक द्वारा प्राप्त हुआ, क्योंकि ये पैसा हमें रिसीव हुआ है तो हम यहां रिसीप्ट में इसकी एंट्री करेंगे, टू लगाएंगे और टाइप करेंगे चेक और ये एंट्री हम यहां पर बैंक में करेंगे। यहां पर हम टाइप कर देंगे 1000, एंटर करेंगे कि आप देख सकते हैं यहां पर क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया है 1000 रुपीज से और यहां रिसीप्ट में टोटल बैंक का अमाउंट हो गया है अब 28,350। ये आप यहां से भी चेक कर सकते हैं। वही सीखते हैं इस कैशबुक को तैयार करना। सबसे पहले हम यहां 6th रो में कॉलम बी से हेडिंग्स को टाइप कर लेंगे। पहली हेडिंग है सीरियल नंबर, फिर टाइप करेंगे डेट, डिस्क्रिप्शन, कैश, बैंक। अभी डेट से लेकर बैंक तक की हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां एक कॉलम छोड़कर कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। सभी हेडिंग्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां से फॉन्ट चेंज करेंगे, ये फॉन्ट ले रहे हैं हम। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, 16 पर रखा हमने। यहां से फॉन्ट कलर करेंगे ब्लू, बोल्ड करेंगे। इन हेडिंग्स को यहां बैंक तक सेलेक्ट करेंगे और शेप फिल पर जाकर कोई कलर फिल कर देंगे। इसी तरह से हम यहां पर इन हेडिंग्स को सिलेक्ट करेंगे और सेम कलर कर लेंगे। सभी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर्स पर जाकर ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। यहां से सेंटर करेंगे, डेट वाले कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा देंगे, डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम की विड्थ को भी थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसी तरह से यहां राइट साइड में कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेंगे, डेट और डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम की। या नीचे वाली सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, फिल पर जाएंगे और यहां से ये कलर कर देंगे। अब इन सभी सेल्स को यहां से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी प्रेस करके एक्सेल टेबल इंसर्ट कर देंगे। यहां माई टेबल हेडर्स के सामने बने चेकबॉक्स को चेक कर देंगे क्योंकि हेडिंग्स हमने पहले से ही ली हुई हैं। यहां से ओके करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां क्लियर पर क्लिक करके एक्सेल टेबल के डिजाइन को हटा देंगे, क्लियर कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करके फिल्टर को रिमूव कर देंगे और यहां से ये हेडिंग ऑटोमेटिकली आ गई है। इसको हटाने के लिए हम यहां बैक स्पेस से इसको रिमूव करेंगे और एक बार स्पेस बार प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे। और देखिए यहां पर इन वैल्यूज को यूनिक बनाने के लिए एक्सेल टेबल ने इन वैल्यूज के आगे न्यूमेरिक वैल्यूज लगा दी हैं। इनको भी हम इसी तरह से हटाएंगे। ये डेट के सामने 2 आ गया है, इसको हटाने के लिए हम यहां बैक स्पेस से इसको हटाएंगे, एक बार स्पेस बार प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसी
इसी तरह से सभी को हटा लेंगे यहां से। अब यहां से इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, शेप फिल पर जाएंगे और यहां से कलर फिल कर देंगे। यहां सेकंड रो में हम टाइप करेंगे कैशबुक, कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से फॉन्ट चेंज करेंगे, ये फॉन्ट ले रहे हैं हम। फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, इसको करेंगे 28 तक, होल्ड करेंगे, यहां से ब्लू कलर कर देंगे। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। यहां पर क्लिक करेंगे और स्पेस बार प्रेस करके थोड़ा आगे कर देंगे। सेल में हम यहां टाइप करेंगे फॉर द मंथ ऑफ और शिफ्ट प्रेस करके और यहां पर अंडरस्कोर लगा देंगे इस तरह से, और यहां पर टाइप करेंगे 2021। कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लू कलर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। यहां पर क्लिक करेंगे और स्पेस बार का प्रयोग करते हुए इसको थोड़ा आगे कर देंगे टेक्स्ट को। इंसर्ट पर जाएंगे और यहां इलस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे, यहां से टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लेंगे, इस तरह से यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। यहां पर हम मंथ नेम टाइप करेंगे जिस मंथ के लिए हम कैशबुक बना रहे हैं। हमने यहां पर टाइप किया जनवरी। कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे ब्लू, होल्ड करेंगे, फॉन्ट इंक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, 12 कर दिया हमने। फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, शेप फिल पर जाकर नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन पर जाकर नो आउटलाइन करेंगे। यहां से इसको उठाकर यहां पर लगा देंगे इस तरह से। यहां इस सेल में सिलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे रिसीप्ट्स, कंट्रोल ए प्रेस करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट चेंज करेंगे, बोल्ड करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, 14 तक रखेंगे, फॉन्ट कलर करेंगे ब्लू। फिर से सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और इसको यहां राइट साइड में कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर लेंगे। इसके टेक्स्ट को एडिट करके हम यहां पर टाइप कर देंगे पेमेंट और एंटर कर देंगे इस तरह से। यहां इस सेल में भी हम कलर कर देंगे सेम कलर इस तरह से, और ये कॉलम जी की विड्थ को थोड़ा कम कर देंगे। अब सबसे पहले हम यहां सीरियल नंबर को ऑटोमेटिक बनाने के लिए इफ फंक्शन के साथ रोज फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो यहां सीरियल नंबर वाली सेल में क्लिक करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, इफ टाइप करेंगे, ये देखिए इफ फंक्शन यहां पर आ गया है। डबल क्लिक कर देंगे यहां पर। इफ फंक्शन का पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि यदि ये डेट वाली सेल ब्लैंक है तो यहां पर ब्लैंक आ जाए। तो इसके लिए हम यहां डेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और ब्लैंक के लिए दो बार डबल कोटेशन टाइप कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर से डबल कोटेशन टाइप करेंगे दो बार, कॉमा लगाएंगे और यहां पर अब टाइप करेंगे रोज। ये देखिए रोज फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक कर देंगे यहां पर। अब हम यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे सीरियल नंबर से पहले की सेल को, हम यहां पर इसका सेल एड्रेस टाइप कर देते हैं A7। F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स कर देंगे, कॉलन लगाएंगे और फिर से इसी सेल का एड्रेस टाइप कर देंगे A7। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इफ फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब यहां पर जैसे ही डेट एंटर होगी तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। एक एंट्री कर लेते हैं हम यहां पर, सबसे पहले डेट टाइप करते हैं, एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। यहां डिस्क्रिप्शन में हम सबसे पहले ले लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो जो भी हम रिसिप्ट्स में टाइप करते हैं डिस्क्रिप्शन में उसके पहले हम 2 एंटर करते हैं, तो हम यहां पर टाइप कर लेते हैं 2 और यहां पर टाइप कर देंगे ओपनिंग बैलेंस और एंटर करते हैं। यहां से इस कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। मान लीजिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस
कैश में था 50,000 और बैंक में था 80,000। तो हम यहां पर टाइप कर लेंगे दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके और अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देंगे, यहां पर क्लिक करें इस तरह से। इन दोनों सेल्स को भी हम अकाउंटिंग फॉर्मेट में कर देंगे, यहां पर क्लिक करें। एक और एंट्री करेंगे, यहां पर डेट टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। ये देखिए यहां पर सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आ गया है। यहां पर एंट्री करेंगे, मान लीजिए हमें कोई पैसा चेक द्वारा प्राप्त हुआ बैंक में, तो हम यहां पर टाइप करेंगे टू चेक और यहां बैंक में अमाउंट टाइप कर देंगे। मान लीजिए हमें पैसा प्राप्त हुआ 1000, तो हम यहां पर 1000 टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। इसी तरह से हम यहां राइट साइड में पेमेंट की एंट्री, यानी जो पेमेंट हमने पे किया, सबसे पहले हम यहां पर डेट टाइप कर लेते हैं। यहां पर मान लीजिए हमने सैलरी पे की, तो यहां क्योंकि तो पेमेंट की एंट्री है, तो डिस्क्रिप्शन से पहले हम यहां पर टाइप करेंगे बाय सैलरी। सैलरी मान लीजिए कैश में पे की गई, तो हम यहां कैश में टाइप कर देंगे जितना भी अमाउंट पे किया गया। हम यहां पर टाइप कर देते हैं 5000 और एंटर करते हैं। जल्दी से एक और एंट्री हम कर लेते हैं। मान लीजिए 2 जनवरी को हमने कुछ सेल कैश में की, तो हम यहां पर लिखेंगे टू कैश सेल। मान लीजिए सेल हुई 3000 की, तो हम यहां पर टाइप कर देंगे 3000, एंटर करेंगे। इसी तरह से हम यहां पर एक पेमेंट की एंट्री और कर लेते हैं जल्दी से। मान लीजिए 3 तारीख को हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया, तो हम यहां पर टाइप करेंगे बाय इंश्योरेंस और बैंक में पे किया, तो हम यहां बैंक में एंट्री करेंगे 4000 सपोज, एंटर कर देंगे। अब यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहां मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर लेंगे। यहां पर टाइप करेंगे फॉर रिसीप्ट्स और यहां लिखेंगे टोटल कैश और यहां पर टाइप करेंगे टोटल बैंक और इस सेल में हम टाइप करेंगे ग्रैंड टोटल। यहां से कॉलम विड्थ को एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे या बॉर्डर्स पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, यानी हमें जो पैसा प्राप्त हुआ उसमें से कैश में कितना प्राप्त हुआ उसका टोटल करेंगे हम यहां पर, और बैंक में कितना प्राप्त हुआ उसका टोटल करेंगे। तो यहां टोटल कैश के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक कर देंगे यहां पर और इसके लिए हम यहां कैश वाली सेल्स को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं यहां पर टोटल आ गया है। इसी तरह से हम यहां बैंक अमाउंट्स का टोटल करेंगे सम फंक्शन के द्वारा, इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक कर देंगे। अब ये हम बैंक वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो टोटल पैसा हमें प्राप्त हुआ कैश में प्राप्त हुआ 53,000 और बैंक में प्राप्त हुआ 81,000। यहां ग्रैंड टोटल के लिए हम ऑल्ट प्रेस करके इक्वल प्रेस कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्रैंड टोटल आ गया है। अब यहां पर इन सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी द्वारा कॉपी करेंगे और यहां कंट्रोल वी द्वारा पेस्ट कर देंगे। यहां रिसीप्ट्स की जगह अब हम कर देंगे पेमेंट्स और यहां हमने टोटल किया था जो पैसा रिसीव हुआ कैश में उसका टोटल और जो रिसीव हुआ बैंक में उसका टोटल। यहां पर हम करेंगे जो पेमेंट हमने कैश में किया उसका टोटल और जो बैंक में किया उसका टोटल। उसके लिए हम यहां इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। यहां टोटल कैश के लिए इक्वल प्रेस करेंगे, सम टाइप करेंगे। ये देखिए सम फंक्शन यहां पर आ गया है, डबल क्लिक कर देंगे यहां पर और ये कैश वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसी तरह से यहां पर इक्वल सम, डबल क्लिक करेंगे यहां पर और ये बैंक वाली सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहां पर हम टाइप करेंगे क्लोजिंग बैलेंस
जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या है। यहाँ पर क्लिक करके कॉलम विड्थ को बढ़ा देंगे और यहाँ इस सेल में हम इक्वल प्रेस करेंगे और जो टोटल पैसा प्राप्त हुआ है उस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे उसको, यहाँ ग्रैंड टोटल जो पैसा हमने पे किया है अभी तक, और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आता रहेगा। इन सेल्स को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेम कलर ले लेंगे, यहाँ पर भी सेम कलर और यहाँ पर भी हम सेम कलर करेंगे। इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। यहाँ व्यू पर जाकर ग्रिड लाइंस को हटा देंगे, ये चेकबॉक्स को अनचेक कर देंगे तो ग्रिड लाइंस भी यहाँ से हट जाएंगे। अब यहाँ पर हम जैसे ही एंट्री करते जाएंगे तो यहाँ पर ये स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएगा। तो हम यहाँ पर एक एंट्री करते हैं, डेट लेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली होती जाएगी और ये सीरियल नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आते जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमें कुछ बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ तो हम यहाँ पर उसकी एंट्री करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक में प्राप्त हुआ तो इसकी एंट्री हम यहाँ बैंक में करेंगे। मान लीजिए हमें प्राप्त हुआ 300 रुपीज, हम यहाँ पर 300 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस अकॉर्डिंगली चेंज हो गया है, 300 रुपये से इंक्रीज हो गया है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर रिसीविंग की एंट्री की थी। अब हम यहाँ पर एक एंट्री करते हैं पेमेंट की। मान लीजिए हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा कैश में, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे बाय फर्नीचर और यहाँ कैश में टाइप कर देंगे अमाउंट। मान लीजिए हमने फर्नीचर खरीदा 3000 का, तो हम यहाँ पर 3000 टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है और यहाँ पेमेंट में टोटल कैश की एंट्री भी चेंज हो गई है। इसी तरह से आप यहाँ पर एंट्रीज करते जाएंगे, आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला को बार बार ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सेल रेफरेंसिंग ऑटो अपडेट होती जाएंगी क्योंकि हमने एक्सेल टेबल का यहाँ पर उपयोग किया है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।